दिल खेलना चाहता है, सपने देखना चाहता है, स्कूलों में जाकर पढ़ना चाहता है और एक अच्छी जिंदगी यहाँ पर बसाना चाहता है। लेकिन शायद कुछ ऐसे मासूम बच्चे जिनके दिल में उनके ख्वाब खत्म हो जाते हैं। आखिर क्यों दफन हो रहे हैं मासूम बच्चों के ख्वाब, देखिए एवन टीवी की खास रिपोर्ट में। बचपन को छीन लेता है बाल श्रम, बाल श्रम में भारत की हालत खराब, कठिन काम में बच्चों से कराई जाती है मजदूरी, बाल श्रम में खोता जा रहा है बचपन, बाल मजदूरी बन गई है अभिशाप, मासूम बच्चों के सपने रहे अधूरे, दफन हो रहे हैं मासूमों के ख्वाब। बचपन जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर होता है, इसमें न कोई चिंता होती है और न ही कोई फिक्र, एक निश्चित जीवन का भरपूर आनंद लेना ही बचपन कहलाता है। लेकिन कुछ बच्चों के बचपन पर लाचारी और गरीबी की नजर लग जाती है, जिसके कारण से उन्हें बाल श्रम जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वर्तमान में बाल श्रम बच्चों की मासूमियत के बीच अभिशाप बनकर सामने आया है। दुनिया के कई देशों में बच्चों को बचपन नसीब नहीं हो रहा है। दुनिया भर में बड़ी संख्या में बच्चे मजदूरी भी कर रहे हैं, और इसीलिए कि इनका आसानी से शोषण हो सकता है, उनसे भारी काम दबा छुपा के कराया जाता है। वही परिवार से दूर रहकर अकेले इस शोषण का शिकार होते हैं। घरों में काम करने वाले बच्चों के साथ बुरा व्यवहार बहुत ही आम बात हो गई है। बच्चों का जो बाल श्रम करते हैं 14 साल से कम उम्र के, उन बच्चों को पुनर्वास कर और स्कूलों से शिक्षा से जोड़ा जाए, और राजस्थान में विशेष करके बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, ऐसे यहाँ से बच्चे आते हैं और चूड़ी बनाने के कारखानों में, आरी तारी के काम में, नगीने की घिसाई के काम में काम करते हैं। मुख्य समस्या तो गरीबी रहती है, लेकिन लोग वहाँ से बच्चों को लाते हैं, बच्चों को कम पैसे देने पड़ते हैं, इसलिए लोग मजदूरी कराते हैं। अब एक जयपुर बाल श्रम मुक्त के लिए अभियान चलाया जा रहा है। बाल श्रम हमारी समय की एक दुखद सच्चाई है। तरक्की के तमाम दावों के बावजूद हम उद्योग धंधों से लेकर घर के भीतर पूरी दुनिया में किसी न किसी रूप में बाल श्रमिकों को देख रहे हैं। इसकी रोकथाम के लिए बेशक कई कानूनों का भी प्रावधान किया गया हो, लेकिन पिछड़े क्या, विकसित कहे जाने वाले समाजों तक में लाखों बच्चों का बचपन पेट की भूख मिटाने में दफन हो जाता है। बाल श्रम उन्मूलन हमारे विभाग के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। इसके ऊपर कानून भी बना हुआ है, किसी भी बाल श्रम से कार्रवाई नहीं की जा सकती, और हम सभी जिलों के अंदर एक विशेष अभियान चला के और बाल श्रमिक उन्मूलन का काम कर रहे हैं। विशेष तौर पे मैं जयपुर का कहना चाहूँगा, जहाँ दूसरे प्रांतों से बड़ी संख्या में बच्चे खास करके बिहार से आते हैं, और पिछले 6 महीने के अंदर हम 350 से ज़्यादा बच्चों को मुक्त करा के, इसमें हमारे NGOs भी सहयोग करते हैं, लेबर डिपार्टमेंट का भी सहयोग रहता है, उनको जो मुआवजा राशि दिलानी होती है वो भी दिलाते हैं। अगर बंधक मजदूर का मामला है तो SDM के यहाँ से भी उनको रिहेबिलिटेशन कराया जाता है। फिर जब तक वो बिहार नहीं भेजते हैं तब तक हमारे होम्स में हम रखते हैं, जिसका सारा खर्चा सरकार उठाती है। उसके बाद बिहार सरकार से कोऑर्डिनेट करके राज्य सरकार अपने खर्चे से उन बच्चों को बिहार भेजती है ट्रेन से, हमारी टीम साथ जाती है, गार्ड साथ जाता है, और वहाँ पर उनको सुपुर्द किया जाता है। जो बच्चे इसी प्रांत के हैं उन बच्चों को वापस उनके माँ बाप को सुपुर्द किया जाता है, और ये प्रयास किया जाता है कि वो बच्चे फिर स्कूल जाएँ, आगे श्रम नहीं करें और स्कूल में पढ़ाई करें। जिंदगी की इस भागम भाग में हर कोई ऊपर वाले से यही गुजारिश जरूर करता है कि लौटा दे मेरा बचपन, लेकिन इन मासूमों का बचपन तो काम के बोझ तले बचपन में तब्दील हो गया है और उनके सुनहरे सपने चकनाचूर हो गए हैं। जरूरत है मासूमों को इस श्रम की काल कोठरी से बाहर निकालने की, और जिससे वो खुली हवा में अपने बचपन की मस्ती में झूम सके। एवन टीवी के लिए सुरेंद्र बिजारनिया की खास रिपोर्ट।